डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस अनदर कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस डिजीज इज मेनली कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ऑल ऑफ यू नो दिस फैक्ट दैट दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इज ए एसिड फास्ट बैसेलाई, रॉड सेपेट बैसेलाई, एंड इट इज स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया। सो जनरली इन द लंग इट अफेक्ट द एपिकल एरिया ऑफ द लंग बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीजन टेंशन एंड इट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर दैट इट इज स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ट्राई टू नो समथिंग अबाउट द कॉमन इन्फेक्शन बाई द ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया। ऑल्दो लंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन बाई द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बट दिस बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट अदर टिश्यू इन द बॉडी। लाइक इन द लंग इट कॉजेज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इन द बोन इट कॉजेज क्रॉनिक ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन द ज्वाइंट इट कॉजेज ट्यूबरकुलस अर्थराइटिस, इन द लिम्फ नोड इज अ वेरी टिपिकल एरिया कॉज बाई द इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया, कॉजेज क्रॉनिक लिम्फेडेनाइटिस, ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस। इट कैन इन्वॉल्व द मेनिंजेज एंड कॉजेज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। सो अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लॉजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट बाई दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू सीन। समटाइम इट इन्वॉल्व द GIT ऑल्सो, लीड टू द इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। इन द फीमेल जेनाइटल सिस्टम फिलोपियन ट्यूब इज वेरी कॉमन साइट एंड कॉजेज क्रोनिक सल्फिंजाइटिस। सो वेरियस टिश्यू कैन बी इन्फेक्टेड बाई दिस बैक्टीरिया। इन द लंग इट इनिशिएट द क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। सो ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट एनी साइट में बी डिफरेंट, बट द पैथोलॉजिकल चेंजेज इज सेम दैट इट इज ए लीड टू द क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन of this particular affected organ. All of you know that there are many chronic granulomatous inflammatory diseases. The chronic because the progression of the disease is very long, so it is chronic. Granulomatous because this infection causes formation of a very important pathognomic lesion known as granuloma. So granuloma due to the formation of a lesion known as granuloma in the affected organ, it is called granulomatous inflammatory disease. You know that many diseases are included in chronic granulomatous inflammatory disease like bacterial disease. Besides tuberculosis, there is leprosy, syphilis, borreliosis, brucellosis, cat scratch disease, bacterial infection, fungal infection like coccidioidomycosis, aspergillosis, in case of parasitic infestation like syphilis. So there are many diseases that are included and that lead under heading of chronic granulomatous inflammatory disease because of in all these conditions there is a pathognomic lesion known as granuloma. So here we are mainly concerned with the pulmonary tuberculosis. So it is also characterized by formation of granuloma in the affected site in the lung parenchyma. Another important fact regarding tuberculosis infection is that this disease is caused by infection, and infection can be happen by either from the different route, like by the
इनहेलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, इनहेलेशन ऑफ द कफ मटेरियल, इन्फेक्टेड कफ मटेरियल कंटेनिंग बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन. सेकेंड, इट मे बी कॉज्ड बाय द इंजेशन ऑफ द इन्फेक्टेड मटेरियल लाइक इन्फेक्टेड मिल्क विद द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया और एनी स्पूटम कंटेनिंग ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया. देयर इंजेशन और स्वेलोइंग मेन लीड टू द इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस. अनदर इम्पॉर्टेंट वे फॉर द इन्फेक्शन इज दैट बाय द डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया मेन लीड टू द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन एंड समटाइम इट मे बी ड्यू टू द इवन ट्रांसप्लांटेंटल रूट इट बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर पर्सन. सो देर आर मेनी रूट बाई विच दिस बैक्टीरिया कैन ट्रेवल कॉन इन्फेक्ट इन द फ्रॉम द अफेक्टेड साइट. दिस बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम वन साइट टू द अनदर साइट एंड द मोस्ट फेवरेबल रूट फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस बैक्टीरिया इज आइदर बाय द डायरेक्ट एक्सटेंशन टू द नियर बाई टिश्यू और समटाइम थ्रू द हिमेटोजीनियस रूट. द बैक्टीरिया कैन ट्रेवल फ्रॉम द प्राइमरी साइट टू द अनदर साइट एंड मे कॉज वेरियस टाइप ऑफ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस ट्यूबरकुलस इन्फेक्शियस डिजीज लाइक इन केस ऑफ लंग. When the bacteria spread from one site to the another site, that may lead to the secondary tuberculosis or even through the blood hematogenous route, it can cause miliary tuberculosis. From the lung, the bacteria through the blood can go to the brain, may lead to the meningitis or intestinal tuberculosis. So bacteria can travel through the hematogenous route and causes different type of tuberculosis infection. Sometimes this bacteria through the lymphatic channel can involve the regional draining lymph node in the form of tuberculosis lymphadenitis. So there are many routes by which the bacteria can travel from one site to the another site and lead to the various kind of chronic granulomatous inflammatory disease in the particular organ, in the particular affected organ. So these are the root of mode of spread of tuberculous bacterial infection. The tuberculous bacterial infection bacteria is isolated or detected by in the laboratory by the staining method, and the staining method is known as Gill-Nelson technique, through which this bacteria can be detected from the infected material like a sputum or like cough material by or any secretory material. This bacteria can be detected in the lab by Gill-Nelson technique. Sometimes the bacteria can be detected by the directly culture method, and the media where this bacteria can be detected is known as LG media. So LG media is technically used for the culture of the bacteria. Sometimes by the immunofluorescence method or by the serological method, their antibody can be detected in the form of antibody IgG or IgM type. So these are the way by which the bacteria can be detected or can be identified. So let us try to understand how the bacteria involve the lung parenchyma and what is the pathological changes in the lung parenchyma. So following after the entry of the bacteria by any way, by the inhalation or by the ingestion or by the lymphatic channel or through the hematogenous route, when this bacteria go into the lung parenchyma, it particularly affect primarily the apical area of the lung, because in this area the oxygen tension is high, so this give a favorable media for the growth of this bacteria because it is aerobic bacteria. So the apical region is commonly affected, but it can involve the any site in the lung parenchyma. So this area undergo the chronic inflammatory reaction.
So due to this bacteria, there are two type of immunological reaction is going to happen in the body, and that lead to the development of or pathogenesis of pathological changes in the affected region caused by the bacterial infection. So two type of immunological reaction is important here, playing role in the pathogenesis of pulmonary tuberculosis. The first one is because of delayed type of hypersensitivity reaction, and this is the main way for the morphological changes and pathogenesis of tuberculosis infection. Delayed type of hypersensitivity reaction, that is the type 4 hypersensitivity reaction. And another important, there is slightly role of immunity, especially the cell mediated immunity induced by the T helper cell, that play very important role in the pathogenesis of this disease. This disease is characterized by, at the site of the lesion in the lung parenchyma, there is a formation of a typical lesion known as tubercle. So tubercle or granuloma is going to develop at the site of lesion where the bacteria lodges. Here it initiates the formation of tubercle. So let us try to understand how this tubercle is going to develop. So following after the infection by this tuberculous bacteria, the size of the bacteria is large, so it is not going to destroy. It is engulfed by the local macrophages. So macrophage is very important cell that playing in the role of pathogenesis of tubercle formation. Macrophages, beside macrophages, some of the chronic inflammatory cell like lymphocyte, like plasma cell, or some of the modified macrophages cell are playing the role here. But macrophage is very important cell. So following at the site of the lesion where the bacteria lodges, the macrophage is going to activate it, and that macrophage start to phagocytose the bacteria. At the same time, it releases certain type of cytokines, especially tissue necrosis factor alpha and interleukin 1, and that two type of cytokines activate the macrophages, and it also causes the modification of monocytes from the circulation to infiltrate at the site of lesion in the form of macrophages. So monocyte convert into the macrophages, tissue macrophages, and here they start to engulf or digest the bacteria. At the same time, as the disease progresses, there is activation of the immune system. So both type of immunological reaction is going to start here. First, the immunity, that is mediated by the B cell, which is not so important or active here, because the antibody are not effective for the destruction of this large size mycobacterium tuberculi. But the cell mediated immunity, mediated by the T cell, especially T helper cell, CD4 cell, is going to play very important role here. This cell mediated immunity via CD4 T helper T cell, that are going to activate. And due to activation of this cell, that cell produces a large amount of cytokines or lymphokines, and these cytokines, especially interleukin 1, interleukin 2, gamma interferon, growth factor, different type of growth factors are going to produce by the activated T cell. And these mediators, cytokines and lymphokines, play very important role in the sense that it activates the macrophages to produce cytokines and to engulf or phagocytose the bacteria, and also
इट प्ले रोल इन द कन्वर्जन ऑफ मोनोसाइट रिलीजिंग मोनोसाइट कीमोटैक्टिक फैक्टर दैट लीड टू द कन्वर्जन ऑफ मोनोसाइट इंटू माइक्रोफाजेज. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ग्रोथ फैक्टर लाइक टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टू प्रोलिफरेट दीज सेल एंड इट ऑल्सो प्ले रोल इन टू द मेडिएशन ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट इज गोइंग टू सीन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो द टी सेल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ काइंड. इट इनिशिएट द डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड ऑल्सो इट कॉज इट प्ले सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट द tuberculosis bacterial infection. So these are the two phenomena is going to happen at the site of lesion. First the macrophages is going to activate, that releases a various kind of cytokines that play different role, and the T cell activate and play very important role by releasing the different kind of mediators playing different role. At after 2 to 3 days, when after 2 to 3 days, there is some important changes is going to seen here, because the bacteria is of large size. They are not fully digested or destroyed by the macrophages or activated T cell. There is some structural and functional changes is going to start in the macrophages to destroy or to engulf the bacteria. What type of changes is going to seen here? The macrophages is structurally and functionally change into different type, and the size of the cell becomes epithelium like cell, that is known as epithelioid cell, because the cell is just like epithelium. So macrophage epithelioid cell is nothing but it is a modified macrophages. Here the cytoplasm become pale and eosinophilic, and nucleus become elongated, slipper separate, elongated vesicular nucleus is seen in the cell, and that type modified macrophage is known as epithelioid cell. So this epithelioid cell is a very important finding at the site of lesion in the tuberculosis infection. As the disease progresses, these epithelioid cells start to aggregate in the form of aggregated form in the compact form at the site of bacterial infection. Jahan bacteria rehta hai wahin par they are aggregated. These epithelioid cells are going to aggregate and form granuloma. So this granuloma is nothing but it is a aggregation of epithelioid cell. So epithelioid cell, when aggregated, they form a very important structure that is known as granuloma. And this granuloma formation is a very complex phenomena. It is because of the interaction between the release of cytokines in response of sensitized T cell and constituent of mycobacterium प्ले इन द रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ granuloma. तो granuloma बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसमें सब भाग लेता है, माइक्रोफाजेज, टी सेल, साइटोकाइंस रिलीज बाय द एक्टिवेटेड टी सेल एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया. सो ऑल दीज कंपोनेंट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ granuloma, विच इज नथिंग बट इट इज द एग्रीगेशन ऑफ modified macrophages in the form of epithelioid cell. At the same time, some of the macrophages has got converted into the giant cell. As you know that the tuberculosis bacilli is a rod shaped long large shaped size bacilli. So there are some another modification is going to see. Some of the macrophage is converted into multinucleated giant cell. नाम से ही क्लियर है, ये giant cell है, बड़ा सा cell है, multinucleated है. And in case of tuberculosis infection, there are two type of giant cell are going to form at the site of lesion.
one giant cell is known as foreign body giant cell, and another giant cell that is a very common, that is known as Langhans type of giant cell. So दो type का giant cell यहाँ पर दिखाई देता है at the site of lesion. कौन कौन? Langhans type of giant cell and foreign body giant cell. दोनों ही giant cell है, लेकिन अंतर इतना ही है कि there is a distribution of the nuclei is different. In case of a Langhans type of giant cell, the nuclei are monomorphic. All nucleus present in the cell are monomorphic, meaning by they are same size and shape, and they are accumulated in the form of horseshoe shape in the periphery of the cell, in the cytoplasm. They arrange in the form of horseshoe shape arrangement of the nucleus, and that is called Langhans type of giant cell. तो जितना भी न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर, वो हॉर्सू शेप के जैसा चारों तरफ से सराउंडिंग बना देता है, तो दैट इज नोन एज Langhans टाइप. बल्कि एंड द सेकेंड नोन इज फॉरन बॉडी जॉइंट सेल. इन फॉरन बॉडी जॉइंट सेल द मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस आर अरेंज टुवर्ड्स द सेंटर. सो ओनली द डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई. एक में हॉर्सू शेप अरेंज हो जाता है न्यूक्लियस, और दूसरे में सेंटर में अरेंज रहता है. सो दैट आर नोन एज फॉरन बॉडी जॉइंट सेल. सो बोथ टाइप ऑफ जॉइंट सेल आर सीन इन द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इन द साइट ऑफ द लीजन वेयर द ट्यूबरकुल ऑर्गेनोमा इज गोइंग टू फॉर्म. सो दिस इज द अनदर चेंजेज दैट द जॉइंट सेल इज सीन, बट समटाइम इट मे बी ऑब्सेंट ऑल्सो. बट इन व्हेन द डिजीज प्रोग्रेसेस फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन व्हेन द ट्यूबरकुल इज फुल्ली फॉर्म the giant cell can be seen. After another step, as the disease progresses, after 10 to 14 days, there is another phenomena, structural changes is going to seen, and the changes is in the form of that in the central area there is KGS necrosis. So cells are going to dead, and it is replaced by the necrotic material in the form of एस्नोफेलिक ग्रेनुलर मटेरियल, चीजी मटेरियल, एंड दैट इज नोन एज केजीएस नेक्रोसिस. सो दिस इज हैपन इन द सेंटर ऑफ द पैथोनोमिक लीजन. सो द होल स्ट्रक्चर सेंट्रल केजीएस नेक्रोसिस अराउंड फॉलोड बाई द एग्रीगेशन ऑफ द एपिथेलोइड सेल, दैट इज नोन एज सॉफ्ट ग्रेनुलोमा. इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सॉफ्ट ग्रेनुलोमा. और जब तक केजीएस नेक्रोसिस नहीं है, देन इट इज नोन एज हार्ड ग्रेनुलोमा. सो सॉफ्ट ग्रेनुलोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फॉर द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन. सो व्हाट इज सॉफ्ट ग्रेनुलोमा? इट इज एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलोइड सेल विथ सेंट्रली प्लेस केजीएस मटेरियल और केजीएस नेक्रोसिस. दिस इज नोन एज सॉफ्ट ग्रेनुलोमा, और सॉफ्ट ट्यूबरकल भी हम लोग कहेंगे ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन के संदर्भ में. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोनोमिक लीजन इन द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इन द साइट ऑफ लीजन. बट एज द डिजीज अगेन प्रोग्रेसेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, देर इज अनदर चेंजेज इज गोइंग टू सीन हियर दैट द लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू सराउंड द होल स्ट्रक्चर. द होल स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाई द रिम ऑफ द लिम्फोसाइट एंड फ्यू प्लाज्मा सेल, एंड ऑन द लॉन्गिसिटी टुअर्ड्स देयर इज ए फाइब्रोब्लास्ट इज प्रजेंट, एंड द फाइब्रोब्लास्ट मे फॉर्म द फाइब्रस सेप्टा अराउंड द लीजन. सो दिस होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू सीन इन द अफेक्टेड एरिया इन द अफेक्टेड साइट वेयर द ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इज गोइंग टू इन्फेक्ट. So again I told you that the soft tubercle or granuloma is a very important pathognomonic lesion. What is soft granuloma? It is a aggregation of the epitheloid cell with centrally placed KGS material surrounded by the rim of lymphocytes and fibrous septa or fibroblast. So this whole structure and sometimes few giant cells. So this whole structure is collectively known as soft granuloma, which is a very important pathognomonic lesion of tuberculosis infection. Again I told you, एक granuloma में या एक soft granuloma कहने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को,
तीन कंपोनेंट होना चाहिए। सेंटर में क्या होगा, केजीएस मटेरियल, उसके चारों तरफ क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलियोइड सेल, उसके चारों तरफ क्या होगा, रिम ऑफ द लिम्फोसाइट, और बीच में कहीं कहीं क्या मिलेगा, जॉइंट सेल इन द फॉर्म ऑफ लैंगस टाइप ऑफ जॉइंट सेल और फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ जॉइंट सेल। सो दिस इज द वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर दैट इज सीन इन द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन एंड इट इज अ वेरी पैथोनोमिक हिस्टो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, पैथोनोमिक लीजन इन केस ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। तो साइट कहीं भी रहे, बोन हो, ज्वाइंट हो, मेनिंजेज हो, लंग हो, कहीं भी बैक्टीरिया का, ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, इनोकुलेशन होगा, वहाँ पर लीजन जो होगा एक ही होगा, साइट बदल जाएगा लेकिन लीजन वहीं रहेगा। क्या लीजन रहेगा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट ग्रैनुलोमा और सॉफ्ट ट्यूबरकल। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यू मस्ट नो। ट्यूबरकल हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, ग्रैनुलोमा हम लोग इसलिए कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। तो ग्रैनुलोमा होने के लिए बहुत सारा कारण है, जब यू हैव ऑलरेडी सी दैट देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, अमंग दिस देयर इज ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। तो ट्यूबरकुलस के संदर्भ में हम लोग ट्यूबरकुलाई यूज करते हैं, ट्यूबरकल, एज ए होल हम लोग ग्रैनुलोमा का यूज करते हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी डिजीज। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इज नथिंग बट इट इज ए क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्रोनिक बिकॉज द ड्यूरेशन इज लॉन्ग, ग्रैनुलोमेटस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलोमा इन द एट द साइट ऑफ अफेक्टेड एरिया। ये ग्रैनुलोमा जो बन जाता है एक बार एट द साइट ऑफ लीजन, इसका दो चार फसल हो सकता है, फेट क्या है, आखिर ये क्या होगा ग्रैनुलोमा का। तो ग्रैनुलोमा कभी कभी क्या होता है कि दैट में लीड टू द नेक्रोटिक मटेरियल टेक्स द फॉर्म ऑफ अब्सेस, द केजियस मटेरियल, द नेक्रोटिक मटेरियल अंडरगो अब्सेस फॉर्मेशन, सो दैट अब्सेस इज नोन एज कोल्ड अब्सेस। एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट द ग्रैनुलोमेटस, सॉरी द केजियस नेक्रोसिस का बनना भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसमें भी बहुत सारा चीज़ भाग लेता है, लाइक द CD4 सेल, द साइटोकाइंस रिलीज बाय द CD4 सेल, द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोफाजेज, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, होस्ट रिस्पॉन्सेस, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ऑल दीज आर गोइंग टू प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ केजियस नेक्रोसिस। तो देर इज ए कम्प्लीट, देर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दीज कंपोनेंट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ केजियस नेक्रोसिस विच इज गोइंग टू सीन इन केस ऑफ सॉफ्ट ग्रैनुलोमा। सो दिस ग्रैनुलोमा मे फर्स्ट ऑफ ऑल मे कन्वर्ट इन टू द कोल्ड अब्सेस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अब्सेस इन द साइट ऑफ लीजन एंड दैट अब्सेस इज नोन एज कोल्ड अब्सेस। सो दिस इज द वन फेट। सेकेंडरली कभी कभी ये होता है कि ये पस जो है बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइनस, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनस ट्रैक थ्रू विच द पस इज कमिंग आउट थ्रू ऑन द एपिथेलियल सरफेस, सो देयर मे बी साइनस, मल्टीपल साइनस फॉर्मेशन। समटाइम दिस केजियस बिकॉज ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन द फाइब्रोसिस इज गोइंग टू सीन हियर, सो दैट मे लीड टू द healing process and more fibrous septa, fibrosis is going to seen, so the granuloma may be converted into the fibrocollagenous structure at the site of lesion. So fibrosis ka roop le sakta hai. Kabhi kabhi because of the caseous material here that can undergo the calcification, the calcified material is going to deposited at the site of lesion, so there may be chance of dystrophic calcification. So granuloma can undergo dystrophic calcification. Sometime in this granuloma in the center, because in the center the acid fast specialize is not present because they prevent the growth of the bacteria, but in the margin the bacteria may present, acid fast bacilli may be present, and this remain in the in apparent stage, but as the immunological alteration they can reactivate and may lead to the secondary tuberculosis ho sakta hai baad mein ja karke
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दैट में इन्वॉल्व द नियर बाई टिश्यू एंड दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर डिजीज लाइक इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्लूरा कैन बी अफेक्टेड बाई दिस लीजन एंड दैट में इन्वॉल्व लीड टू द प्लूरल इफ्यूजन. सो देर आर मेनी टाइप ऑफ फेट और मेनी टाइप ऑफ चेंजेज आर गोइंग टू सीन इन ए ग्रेनुलोमा. बट अगेन आई टोल्ड यू दैट ग्रेनुलोमा इज द मोस्ट पैथोनोमिक लीजन एंड हाउ द ग्रेनुलोमा इज गोइंग टू फॉर्म दिस इज द यूजुअल स्टेप. सो यू मस्ट नो द स्टेप एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफाजेस, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यूनिटी सेल टेल टी सेल, फॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियोइड सेल, फॉर्मेशन ऑफ द केजियस नेक्रोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा एंड लास्टली द डिफरेंट काइंड ऑफ फेट ऑफ ग्रेनुलोमा. सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन वेरी मच स्टेप वाइज, वेरी मच सिस्टमेटिक वे एज द डिजीज प्रोग्रेसेस. दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाई द होस्ट. सो इन दिस वे द ग्रेनुलोमा इज गोइंग टू फुल्ली डेवलप इन केस ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, एनी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो दिस टाइप ऑफ लीजन विल बी सीन इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, स्पेशली इन द एपिकल पार्ट इज कॉमनली अफेक्टेड एंड इनिशिएट द डिजीज. इन द फर्स्ट, इफ इट इज गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट इंसिडेंस टू द पेशेंट दैट मे लीड टू द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस. अगर पहला बार एक बैक्टीरिया का एंट्री होता है, इन्फेक्शन होता है किसी खास पेशेंट में या बच्चा में, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, विच कैन बी रिग्रेस और विच कैन बी डिसअपियर. बट इफ इट इज हैपन सेकेंडरली बाई द रीएक्टिवेशन ऑफ दिस प्राइमरी इन्फेक्शन, दैट मे लीड टू द सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप, फर्स्ट द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंड दैट इज सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस. प्राइमरी मीन्स द फर्स्ट इन्फेक्शन, फर्स्ट क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन इन द इंडिविजुअल, एंड द सेकेंडरी मीन्स फॉलोइंग द ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन दैट लीड टू द सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस. तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मे बी ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. द इन्फेक्शन कैन इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल ट्राई टू कम्प्लीट द ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. सो फॉर दिस पर्पज, टूडे पर्पज, वी यू नो द जनरल एस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन. इवोल्यूशन ऑफ ग्रेनुलोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट and a short notes may be asked on this topic, so you must know. So in the next class we shall discuss primary and secondary tuberculosis. Till, thank you.